आज का टॉपिक है डीसी कंपाउंड जनरेटर के टर्मिनल की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें 6 टर्मिनल होते हैं। इसमें हमें मालूम करना है कि कौन सा सीरीज है, कौन सा शंट है, कौन सा आपका आर्मेचर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपका आर्मेचर होगा या सीरीज होगा ज़्यादा ग्लो करेंगे, और जो आपका शंट होगा स्पार्क करेगा या बहुत ही कम ग्लो करेगा। ठीक है, तो आर्मेचर को मालूम करने के लिए हम इसके कार्बन ब्रश पे जाएंगे। ठीक है, आपका जो बचेगा वो आपका सीरीज हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए इसको हम प्लेट के लिए देखेंगे एक एक करके। ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे बीच वाले टर्मिनल पर, ये आपका स्पार्क कर रहा है, स्पार्क कर रहा हूँ। ठीक है, जो स्पार्क करेगा वो आपका शंट होगा। ठीक है, आगे जाओ, ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 टर्मिनल जो टर्मिनल है वो ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ ये वाला टर्मिनल, एक यहाँ पे वाला, इसको कर रहा हूँ। ठीक है, हमने मालूम कर लिया है सन टर्मिनल बीच वाला है, क्योंकि ये स्पार्क कर रहा था। इसको करो, बीच वाला भी स्पार्क कर रहा है। ठीक है, अब हमको चारों में से मालूम करना है कौन सा सीरीज है, कौन सा शंट है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था, जो कार्बन ब्रश से बताएगा वो आपका आर्मेचर होगा। ठीक है, अब एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर कार्बन ब्रश से देखो, इधर भी है, इधर भी देखो, इस भी चलगा। ठीक है, एक एक करते जाएंगे। ठीक है, ये जल रहा है, ये आपका आर्मेचर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब नहीं जलेंगे, देखो नहीं जल रहा है, ये भी नहीं जल रहा है। ठीक है, जो नहीं जलेगा आपका इन चारों में देखना है, क्योंकि हमने तो इसको कंफर्म कर लिया था, ये आपका शंट है। जो नहीं जलेगा आपका ये दोनों नहीं जलेगा, ये सीरीज होगी। ठीक है, इस तरह से हम मालूम कर लेंगे कि कौन सा सीरीज है, कौन सा शंट है, कौन सा आर्मेचर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ज़्यादा दूर से